गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 12th क्लास में चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज में वो भी कंटिन्यू जो आप लोगों के सामने वीडियो मिलता रहता है, उनमें से 1.14 तक एक्सरसाइज तक का हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.16 है ना। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.15 और 1.16 दोनों इसमें बताएंगे हम। तो 1.15 ये बुक है, एनसीईआरटी बुक का न्यू बुक जो है उसमें देखिएगा, क्योंकि अब पुरानी जिसके पास बुक होगी तो जो क्वेश्चन हम 1.15 में बता रहे हैं तो पुराने वाले बुक में शायद ये 1.16 हो, नए वाले बुक में एक क्वेश्चन को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो ये 1.15 जो है वो पुरानी बुक में 1.16 पर होगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का कुछ पार्ट पीछे वाले क्वेश्चन से लिया गया है। यानी हम 1.15 बताएंगे तो इसका कुछ पार्ट 1.14 से है, और यदि पुरानी बुक में इसको यदि हम 1.16 कहेंगे तो 1.15 है ना। यानी आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन पूरा, यदि आप क्वेश्चन को देखना है तो आप बुक से देख सकते हो। ऐसे हम क्वेश्चन की मीनिंग बताते हुए उसका सलूशन बता देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू जो दिया है 3×10³ आई कैप न्यूटन कूलाम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1.15 में रेफर किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1.14 में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र 3×10³ आई कैप न्यूटन कूलाम इनवर्स है। अब आई कैप लिखा है, इसका मीन्स है कि वो एक्स अक्ष में है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक्स अक्ष में है। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। और यहाँ विद्युत क्षेत्र E=2 दिया है 3×10³ न्यूटन कूलाम इनवर्स। आई कैप लिखा है मीन्स एक्स अक्ष में ये है। अब यहाँ बोलता है कि यहाँ एक घन है, यहाँ एक क्या है, यहाँ एक घन है, यहाँ एक घन है, और ये जो घन है घन में 6 फलक होंगी, क्या होंगी? घन जो है यहाँ घन में 6 फलक होंगी। और आप लोगों को समझने का प्रयास करना, ये घन है, एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र है, ये घन में जो 6 फलक होंगी वो 6 फलकों में से 2 फलक एक्स अक्ष के समांतर होंगी, 2 फलक वाई अक्ष के समांतर होंगी और 2 फलक जेड अक्ष के समांतर होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो सिर्फ है, विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स दिशा में है। विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में है। इसका पूरा आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यदि हम इसी की बात कर लेते हैं, ये वाला देखना, ये तो ये वाला फलक और ये वाला फलक जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, और ये वाला फलक और ये वाला फलक जो है वो वाई अक्ष के समांतर है।
और ये वाला फलक और ये वाला फलक जो है नहीं, ये वाई अक्ष के समांतर, ये वाले दो ठो जेड अक्ष के, ये देखिए ये वाला किसमें एक्स अक्ष के समांतर और दो ठो वाई अक्ष के समांतर, दो क्या हो जाएंगे जेड अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, किसी बात करें विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ जो है वो दो ए होंगे। विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ की यदि बात करें तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत कौन कौन पृष्ठ होंगे, ये वाला पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ होगा, ठीक है ना। ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये दो पृष्ठ जो है वो एक्स अक्ष के समांतर में आ जाएंगे। तो इसका जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, इसका ये अभिलंब होगा, इस साइड के लिए ये अभिलंब होगा, ठीक। तो इधर का फ्लक्स यदि हम इस पृष्ठ को एक लिख दें, ये पृष्ठ को लिख दें दो, तो पृष्ठ एक का फ्लक्स फाई इक्वल टू लिखना पड़ेगा ई एस कॉस जीरो, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई एस। और यदि पृष्ठ दो का फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस 180 लिखना पड़ेगा, तो फाई इक्वल टू ई एस माइनस 1, तो फाई इक्वल टू माइनस ई एस। ये तो ये पृष्ठ एक का और पृष्ठ दो का जो फ्लक्स होगा, एक का प्लस होगा एक का माइनस। सीधे सीधे ये है, जितनी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी उतनी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर आएंगी। ये हम अभिलंब की बात किया, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र। तो अभिलंब और इसके बीच का कोण इसमें जीरो होगा, और इसमें अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा, ये ठीक है ना। अब आप इसको अच्छे से एक बार और सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र अक्ष दिशा में है, यहाँ एक घन है, घन की छह फलक होंगी। सीधे सीधे हम पॉइंट पर आते हैं, जो घन की छह फलक होंगी उन छह फलकों में से दो फलक जो हैं वो एक्स अक्ष के लंबवत होंगी और चार फलके एक्स अक्ष के समांतर होंगी। दो फलक एक्स अक्ष के लंबवत होंगी और चार फलके एक्स अक्ष के समांतर होंगी। तो जो फलक एक्स अक्ष के समांतर अर्थात विद्युत क्षेत्र के समांतर होंगी उनका विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और दो फलक जो हैं वो एक्स अक्ष के लंबवत होंगी लेकिन इसका अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण इस साइड वाले का जीरो होगा, और इसमें अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 180 अंश होगा। तो एक ये फ्लक्स धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, तो कुल फ्लक्स कितना आएगा, दो का ये फ्लक्स है, इसको फाई वन लिख दो, इसको फाई टू, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू, तो ई एस माइनस ई एस यानी जीरो, ये आएगा इसको, ठीक है ना। ये रहा, अब बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ना क्लियर हुआ हो तो एक बार और बता दें, ये दिया गया है पिछले वाले क्वेश्चन से ई लिया गया है,
और यहाँ जो घन लिया गया है वो 6 सेंटीमीटर भुजा का घन लिया गया है और इस प्रकार रखा गया है। तो हमने ये बताया ना कि दो दो पृष्ठ सभी अक्ष के लंबवत होंगे, है ना। तो यदि दो पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत होंगे तो 4 पृष्ठ समांतर होंगे। तो समांतर वाले पृष्ठ या फलक का विद्युत फ्लक्स शून्य होगा और जो दो ठो लंबवत होंगे तो एक में विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो धनात्मक फ्लक्स, एक में विद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी तो अंदर की तरफ आएंगी तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1.5। अब यहाँ पर भुजा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 1.16 क्या कहता है, इसमें दिया गया है 1.16 क्वेश्चन बोलता है कि किसी पृष्ठ के का फ्लक्स जो दिया गया है, कोई एक पृष्ठ है उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स दिया है। क्वेश्चन अब हम लिख नहीं रहे, सीधे समझा दे रहे हैं। किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स दिया गया है तो ये बताना है कि उसमें कुल आवेश कितना होगा। एक कोई पृष्ठ है उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स दिया गया है और विद्युत फ्लक्स दिया है तो उसका कुल आवेश कितना होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी फाई की वैल्यू दे दिया गया है, इसमें फाई की वैल्यू 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 दिया है। किसी पृष्ठ का फ्लक्स दिया है उसमें क्यू की वैल्यू आपको लाना है। ठीक है ना, तो और बाद में ये बोल दिया कि यदि किसी पृष्ठ का फ्लक्स 0 है तो बताओ कि उसके अंदर आवेश होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, तो एक तो ये दिया है कि फाई की वैल्यू इतना है तो क्यू का मान कितना होगा, और एक बोला कि यदि पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स 0 है तो क्या उसके अंदर आवेश है कि नहीं है, क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका पहले पॉइंट का फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस प्रमेय, तो क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट फाई 8×10³ और ये 8.85×10⁻¹². इसका इंटू कर देते हैं 8×5=40, 8×5=64, 4×8=68, 8×5=64 और 6=70, ये हो गया। और ये 10⁻¹⁹ तो 7.08×10⁻¹⁹, ये इसको यहाँ लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। और ये कूलाम, कैलकुलेशन में यदि कोई मिस्टेक है तो एक्शन लेने की बजाय उसका करेक्शन कर लेना है ना। यहाँ पर हमने तरीका बता दिया, अब इंटू में ना कहो कि सर आपका इंटू गलत है। यदि इंटू गलत है तो आप कर लीजिए, हमने प्रोसेस जो किया है वो सही किया है ना। मान लो धोखे से कोई इंटू डिवाइड यदि मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग भी इसको आप कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है ना, तो यानी फ्लक्स दिया है क्यू लाना है तो ये तरीका। और इसका जो बी पार्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि यदि ये फ्लक्स 0 है, यदि फ्लक्स क्या है, यदि फाई बराबर 0, यदि फाई का मान 0 है तो इसका मीन्स क्या हुआ। तो इसका मीन्स हुआ यदि फ्लक्स 0 है तो पहली बात तो ये है कि पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य, होगा या धन और ऋण आवेश बराबर होंगे।
पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होगा यानी होगा ही नहीं, या धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होंगे तो कुल आवेश जीरो हो जाएगा। बात को समझिए, 1.16 क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला, किसी पृष्ठ के अंदर का किसी पृष्ठ का फ्लक्स इतना है तो उसके अंदर आवेश कितना होगा, तो 5 बराबर की ओपन फ्लान नाट के फार्मूला का यूज करते हुए हमने इसको ला दिया। और दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि फ्लक्स का मान शून्य है तो उसके अंदर आवेश है कि नहीं। तो पहली बात, यदि फ्लक्स का मान शून्य है तो उसके अंदर आवेश नहीं है, या कि पृष्ठ के अंदर जितना धन आवेश है उतने ऋण आवेश है, तो परिणामी आवेश शून्य होगा। इससे दो बातें क्लियर होती हैं, ठीक है ना। तो ये अब और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा फिजिक्स का वीडियो उसमें है।